हेलो दोस्तों दोस्तों अगर आप भी एक यूट्यूब पर अपना चैनल बनाने के बारे में सोच रहे हो तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पर आते तो हैं और बड़े बड़े क्रिएटर्स को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि एक दिन में ही हम मान लो लाख रुपये करोड़ रुपये कमाने लग जाएंगे, लेकिन ऐसी रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। जब आप यूट्यूब पर आते हो तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमें वीडियोस किस तरह की बनानी चाहिए, किस तरह का कंटेंट रखना चाहिए और हमें कितना टाइम लग सकता है सक्सेस होने में। क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, वो कहते हैं आप इसे अपना फ्यूचर बना लीजिए, इसे सिर्फ आप एज अ क्रिएटर्स की तरह आपको इसे सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। क्योंकि जो यूट्यूबर्स बन गए वो तो बन गए, लेकिन आज जो इतना कॉम्पिटिशन है, क्या उसे देखते हुए सच में आसानी से आज यूट्यूबर्स बन सकते हैं? और क्या आपको सच में यूट्यूब पर आना चाहिए? क्या है इसकी रियलिटी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों यूट्यूब पर आना, वीडियोस को बनाना, ये एक कला होती है और ये हर किसी को आती नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम यूट्यूब पर आएंगे, वीडियो बनाएंगे और हम पैसा कमाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको रियलिटी में बताऊँ तो आज भी YouTube पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2 से 3 साल हो गए उन्हें और 4-5 साल भी हो चुकी है उन्हें, लेकिन अभी तक वो एक पैसा भी नहीं कमा पाए हैं। आपको सुनने में बेशक ये बड़ा ही अजीब लग रहा हो, क्योंकि 4 साल से अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो ये उसकी बहुत बड़ी मेहनत होती है, और 4 साल तक भी अगर कोई टिका रहता है तो इसका मतलब होता है कि अगर वो हफ्ते में एक वीडियो भी डाल रहा होता है तो लगभग वो 400-500 वीडियोस वो डाल चुका होता है। 400-500 वीडियोस को यूट्यूब पर डालना आसान काम नहीं होता है दोस्तों, ये बहुत ही मेहनत का काम होता है। आप खुद सोचिए, जब आप एक वीडियो को बनाएंगे, उसे रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने में कुछ गलतियां होंगी, फिर उसे आप सही करोगे, और सबसे बड़ी बात, उस रिकॉर्ड करने से पहले भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपको बोलना क्या है, उसके लिए भी आप कुछ तैयार करेंगे। अब मान लो आपके पास अगर वीडियो आ भी जाती है, आप रिकॉर्ड भी कर लेते हो, फिर उसे आप एडिट करोगे, एडिट करने के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, फिर आप उसे अपलोड करोगे और फिर उसके बाद आप थंबनेल वगैरह बनाओगे, तो तकरीबन एक वीडियो को अगर आप बिगनर के तौर पर अगर आप इसे रेडी करते हो तो यहाँ पर आपको कम से कम एक दिन का समय लग जाता है। दोस्तों यही रियलिटी है। अगर कोई यह कहता है कि YouTube पर आओ 10 मिनट की वीडियो बनाओ, 10 मिनट लगेंगी, 5 मिनट का थंबनेल लगेगा, 5 मिनट अपलोड करने में लगेंगी, मतलब 20 मिनट में पूरा खेल ख़त्म, और अगले ही मिनट ये कह देगा एक यूट्यूबर्स कि आपको अगले ही मिनट, मान लो जैसे कि 1 मिनट में 1000 व्यूज आ जाएंगे, अगली दूसरी मिनट में 2000 व्यूज आ जाएंगे और एक दिन में ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि क्या सच में यूट्यूब पर सक्सेस होना इतना आसान है, और क्या आपको यूट्यूब पर चैनल बनाना चाहिए, और अगर बनाना चाहिए तो कितनी आपको सक्सेस मिल सकती है और कितना आपको समय लगेगा। तो आज हम इसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से बात करने वाले हैं। हो सकता है हम ये बात एक वीडियो में ही कम्प्लीट कर दें, वरना हम इसके बाद हो सकता है कि अगली वीडियो में अगर कुछ रह जाता है तो उसको कंप्लीट करेंगे। दोस्तों जब आप YouTube पर आने की सोच रहे हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें YouTube पर आने से पहले हमारे पास क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। आपको सबसे पहले YouTube पर आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक वीडियो को हम एडिट कैसे करें। सबसे पहले आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हम वीडियोस को एडिट कैसे करें। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए हम थंबनेल कैसे बनाएं। अगर ये दो चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती है तो आप YouTube पर अच्छी वीडियो बना सकते हैं, और आपके इम्प्रेशंस जो हैं, आपके जो व्यूज जो हैं, वो भी बहुत अच्छे आ सकते हैं। लेकिन इसे क्रिएट करना, इस स्किल्स को डेवलप करना भी एक बिगनर के लिए इतना आसान नहीं होता है। अगर आप बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते हो, सिर्फ आप एक चैनल क्रिएट कर रहे हो, तो दोस्तों आपको सिर्फ इसी स्किल्स को डेवलप करने में भी काफ़ी समय लग सकता है।
इसे स्किल को डेवलप करने में आपको 1 महीने का भी समय लग सकता है। अब मान लो आपने 1 महीने में सिर्फ अपने वीडियो को एडिट करना और थंबनेल बनाना सीखा, इसके बाद में फिर आप अपने जो सोर्स हैं, जो आपको कंटेंट, जो आपको जिस टाइप का डालना है उसके भी पास, उसकी भी आपको एकदम भरमार होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि आज आपने वीडियो डाली है किसी टॉपिक पर और अगले दिन आप सोच रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके पास लगातार सोर्स होना चाहिए वीडियो को बनाने के लिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अगर आप YouTube पर आना चाहते हो तो आपकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी आप रेगुलर वीडियोस को अपलोड कर पाएँ, इतनी आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, तभी आप 1 साल के अंदर अच्छे यूट्यूबर बन सकते हो। वरना अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि हम आए और पैसा कमाए लग गए, तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। हाँ, आप ऐसा जरूर कर सकते हो कि धीरे धीरे करके आप यूट्यूब पर आएँ, कुछ यूट्यूब के बारे में सीखें, कुछ अपने टॉपिक्स डालें और फिर आप साइड से कुछ अपना काम करें, यानी आप यूट्यूब को सिर्फ अपना पार्ट टाइम रखें। मैं किसी बड़े यूट्यूबर्स का या छोटे यूट्यूबर्स का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि बड़े यूट्यूबर्स बड़ी बातें करते हैं और छोटे यूट्यूबर्स जो होते हैं, यानी जिनके 10, 20, 50, 100 सब्सक्राइबर्स होते हैं या 1000-2000 होते हैं, वो सब एक छोटे यूट्यूबर्स के कैटेगरी में आते हैं, तो इनके लिए एक यूट्यूब की जो जर्नी होती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि ये ना तो ये इधर के होते ना उधर के होते, ये बीच में फंस जाते हैं। और अगर आपकी भी वीडियो पर अगर 100-200 या 50, 10, 20, 30, 40 अगर कुछ ऐसे व्यूज आते हैं, तो आपको भी कुछ बदलाव करना चाहिए अपने चैनल पे। तो दोस्तों, ये कुछ स्किल्स हैं यूट्यूब की। अगर आपको ये स्किल्स आती हैं अच्छे से, तो आप यूट्यूब पर आइए। सबसे पहले आपको यूट्यूब के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्या यूट्यूब पर आना चाहिए हमें या नहीं आना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है पूरी अच्छी तरीके से और आपको लगता है कि हम कंसिस्टेंसी से काम कर सकते हैं यूट्यूब पर, तो आप आइए। अगर आपको लगता है कि हम अच्छी वीडियो एडिट कर सकते हैं, तो आप आइए। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा बोल सकते हैं, तो आप यूट्यूब पर आइए। अगर आपको लगता है कि हम अच्छी वीडियो एडिट कर सकते हैं और अच्छा थंबनेल बना सकते हैं, तो आप बिल्कुल आइए और अंदर का जो टैलेंट है उसे दिखाइए। इसे दिखाने में कुछ नहीं जाता है दोस्तों, आप आइए दिखाइए। लेकिन आप ये भी याद रखिए कि आज जो कंपटीशन है इसमें आपको समय ज़रूर लगेगा। आप समय दीजिए, कम से कम आप 6 महीने का समय दीजिए। 6 महीने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकता, तो फिर आप इसे मत कीजिए या फिर आप इसे सिर्फ पार्ट टाइम रखिए और सोचिए कुछ अलग करने की। ठीक है दोस्तों, तो यह जानकारी थी यूट्यूब के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, और यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।